पहले रशिया यूक्रेन, फिर इसराइल गजा और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है जो कि पूरे क्षेत्र की अशांति के लिए खतरा है और सभी चिंतित हैं। अगर इन पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो यह एक बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही देशों ने एक दूसरे की सीमा में मिसाइल दागे, दोनों ने एक दूसरे के आतंकियों को न रोक पाने में विफलता का आरोप लगाया। ईरान ने सुन्नी आतंकी समूह जैश अल अदल को रोकने में विफलता का आरोप लगाते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा और ईरान के हमले के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भी मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों को मार गिराया। ईरान इस समय भारी दबाव में है क्योंकि अमेरिका और इसराइल पहले से ही ईरान पर भड़के हुए हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों ने भारत समेत कई देशों के लिए आर्थिक और राजनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है, पहले भी हूती विद्रोहियों की ओर से जहाजों पर हमले किए जाते थे। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हूतियों पर हमले भी कर रहे हैं और अगर यह तेज होता है तो ईरान के साथ भी संघर्ष शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ता है तो इसका भारत पर क्या असर होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान के हमले के बाद कहा कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच है। भारत की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। हम उस एक्शन को समझते हैं जिन्हें देश आत्मरक्षा में लेता है। ईरान के हमले से भारत को यह पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। एक बार फिर से इस हमले से दुनिया को यह पता चल गया कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है और उसके पड़ोसी भी इससे परेशान हैं।